10 ऐसी गाड़ियां जो बनती तो इंडिया में है लेकिन उसको एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर के देशों में और वहां से अच्छा खासा इनकम जो है वो आता है और अच्छे खासे मात्रा में गाड़ियां बिकती भी है बाहर के देशों में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर वन पे जो गाड़ी है मारुति सुजुकी डिजायर। तो डिजायर को इंडिया में भी जितना प्यार किया जाता है बाहर के देशों में भी प्यार किया जाता है। इस गाड़ी का सेल हुआ है पिछले साल 48,000 यूनिट, 48,000 यूनिट इसको बाहर एक्सपोर्ट किया गया है, मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है। दूसरी जो गाड़ी है लिस्ट में वो है गाइस मारुति सुजुकी बलेनो या फिर टोयोटा ग्लैंजा या फिर आप कह सकते हो मारुति ग्लैंजा या फिर टोयोटा बलेनो। गाड़ी जो है दोनों में ही सेम है, ग्लैंजा और बलेनो, बस डिजाइन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लोगोज में चेंज है और बाकी नहीं तो सब कुछ जो है वो सेम ही है, बस और कुछ भी नहीं। तो ये गाड़ी को भी बाहर भारी मात्रा में इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि टोयोटा का तो वैसा ही सीन बना था मारुति के साथ, तो उसी के साथ कोलैब करके जो है इस गाड़ी को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। नंबर तीन पे जो गाड़ी है ये है गाइस मारुति सुजुकी स्विफ्ट। स्विफ्ट जो ये हैचबैक है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर के देशों में भी बहुत ही इसको पॉपुलैरिटी इसको मिलता है। बात करूंगा अगर यूरोपियन या अफ्रीकन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में इसको बढ़िया से इसको रिस्पांस मिलता है। नंबर फोर पे जो गाड़ी है वो है किया सेल्टोस जो कि ह्युंडई की ही एक कजन ब्रांड है। ये गाड़ी भी 32,000 यूनिट्स जो है वो बिकी थी बाहर के देशों में, एक्सपोर्ट हुई थी पिछले साल। अगली जो नंबर फाइव पे जो गाड़ी है ये है ह्युंडई वर्ना। वर्ना तो भाई लेजेंडरी सेडान है इंडिया में भी और बाहर के देशों में भी, ये मिडिल ईस्ट और सऊदी जैसे कंट्रीज में ज्यादा बिक रही थी और वहां पे लीडर है मार्केट की। तो पिछले साल इसका जो यूनिट सेल हुए थे वो लगभग 31,000 यूनिट्स का फिर एक्सपोर्ट हुआ था। नंबर सिक्स पे जो गाड़ी है वो है गाइस फॉक्सवैगन वेंटो। ये गाड़ी तो अभी बंद हो चुकी है लेकिन उस टाइम पे था, तो इसका जो पिछले साल का सेल था या फिर एक्सपोर्टेशन था वो था 30,000 यूनिट्स, लगभग इतना यूनिट जो ये सेल हुआ था, इसके अलावा इससे ज्यादा भी था। लेकिन ये गाड़ी बंद हो गया, दिल पे दर्द हुआ लेकिन क्या कर सकते हैं, बंद हो गया तो हो गया, पिछले साल था तो पिछले साल एक्सपोर्ट हुआ था। नंबर सेवन पे जो गाड़ी है ये है गाइस ह्युंडई क्रेटा। ये एक मिड क्लास एसयूवी, आपको पता ही है 29,700 यूनिट्स के आसपास इसे एक्सपोर्ट हुआ है पिछले साल। नंबर एट पे जो गाड़ी है ये है निसान सनी जो कि इंडिया में तो ये खास चल नहीं पाया, 29,600 यूनिट्स भी इसका जो है पीसेस जो है वो एक्सपोर्ट हुए थे। नंबर नाइन पे जो गाड़ी है ये है गाइस मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। एस्प्रेसो जो है आप कह सकते हो एक मिनी एसयूवी टाइप कंपनी क्लेम करता है लेकिन एक्चुअली में वो हैचबैक ही है। ये भी गाड़ी अच्छा खासा जो है एक्सपोर्ट हुई है जो कि है 27,300 यूनिट्स के आसपास ये एक्सपोर्ट हुआ है पिछले साल में। नंबर 10 आखिरी में जो गाड़ी है ये है गाइस ह्युंडई ग्रैंड आई10। तो ग्रैंड आई10 जो है पिछले साल एक्सपोर्ट हुआ है, इसका वो नंबर था नियर अबाउट 23,800 यूनिट्स के आसपास। तो यही था गाइस 10 गाड़ियां जो बनती तो इंडिया में है और लेकिन इसके चर्चे बाहर के देशों में भी है और बाहर के देशों में भी इसको प्यार किया जाता है। आपको इन गाड़ियों में से कौन सा पसंद है कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।